नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। बच्चों को लेकर के हुआ झगड़ा, पड़ोसी ने महिला के सिर पर रॉड मारी। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस कर रही है मामले की जांच। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबो की विशेष रिपोर्ट। कल देर रात बच्चों को लेकर के कहा सुनी हो गई और जिसके बाद एक व्यक्ति ने महिला के सिर पर रॉड मार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला के परिजनों ने उसे नागरिक अस्पताल भी पहुंचाया। जानकारी के अनुसार फतेहाबाद के अमर ज्योति मंदिर के समीप रह रहे एक परिवासी परिवार के बच्चे गली में खेल रहे थे। इस दौरान उनके पड़ोसियों के साथ कुछ कहासुनी हो गई। आरोप है कि तेज में आए आरोपी ने बच्चों को पीटने के लिए उनके घर में घुसने का प्रयास किया। इस बीच वहाँ पर मौजूद बच्चों की माँ ने उसे रोका तो आरोपी ने महिला के सिर पर लोहे की रॉड दे मारी। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उसे नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया और मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई। फिलहाल मामले में पुलिस जांच में जुटी है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। किस प्रकार किसने मारा जी? पड़ोसी है, डंडा मार गया था बच्चे को, पीछे पीछे आया बच्चों के, फिर बच्चे अंदर बढ़ गए और हम बाहर बैठे थे, इसलिए बच्चन को बुला दो बच्चन को बुला दो ये कहता था। फिर हमने कि अभी नहीं आते बच्चे, हवा में बैठे हैं। फिर बस इतने ही में डंडा मार के चला गया, बेहोश हो गया, पता ही नहीं कौन था जी। पड़ोसी था कोई, सरिया मारा, गुलशन मेहता, गुलशन मेहता बता रहा है अभी तो पता नहीं, गुलशन मेहता है नाम उसका। किस चीज़ से मारा जी? सरिया से। पहले कोई आपके कहा सुनी हुई है जी कोई? कैसे? ना ना, कोई लड़ाई नहीं कभी भी। आपका क्या नाम है जी? बनीता। सवा दस बजे की बात है जी सर, रात को 18 तारीख, कल 18 तारीख थी ना, 18 तारीख 10:15 बजे की रात को करीब हुई है घपला। बच्चन के कारण हुआ, बच्चे खेलने गए थे मेरी गली में, बच्चन को गुलशन कुमार मेहता ने बच्चन को धमकाया कि तेरे बच्चे कहाँ है, बच्चे भाग के मेरे घर आए, अंदर आए तो बच्चे से डर गए, बच्चे से अंदर बढ़ गए। ये मेरी मैडम बैठी थी गेट पे, मेरी मैडम गेट बैठी थी तो कहने मतलब बच्चन को आ गए आदमी, मेरे मैडम को धमकी दी, बोला तेरे बच्चे कहाँ गए। वो मैडम मेरी बोली, मेरी मैडम मेरी बोली भाई उनसे कि मेरे बच्चे तो गए अंदर बढ़ गए, पंखे के हवा में बैठे होंगे। बोला कि बच्चे को बोला तो वो बोली बच्चे तो अंदर बैठे हैं। इतने में मेरे को सरिया सर में मार के भाग गया, सरिया मार के भाग गया तो मैं वहाँ लेट गिर पड़ी तो मैं हो गई बेहोश। मेरा पति घर पे नहीं था, वो रेडी लगा रखी थी सब्जी की, तो ये बोले भाग गया, बोला भागते बोला कि देवी आती तो तेरे को बच गई आंगन में, तेरे को मैं जान से कल परसों जब मिलेगी। किसने हमला किया था जी? गुलशन कुमार मेहता जी। ये पड़ोसी है अपना, गुलशन कुमार मेहता पड़ोसी है। जाते जाते धमकी दे के गया कि आते तू बच गई, आगे ना तेरे कल परसों मिल गई, तेरे को जान से खत्म कर दूंगा। पहले भी कोई कहा सुनी है कोई? पहले हमारी कोई से लड़ाई नहीं, ना हमारी कोई जान नहीं पहचान नहीं कुछ नहीं है, ना मैं इससे बोलता था ना मैं जानता था, अकेले पड़ोसी अकेले में से कोई लड़ाई नहीं थी हमारी। तो आपने पुलिस में बयान दे दिया? पुलिस में बयान मैंने सवेरे दी सर, मैं रात को अकेला था, मियाँ बीवी है, वो जो छोड़ गया था मेरी मैडम वो घर चला गया, मैं पूरी रात हॉस्पिटल में रहा, तो मैंने मतलब सवेरे मैंने दरखास्त करी, तब पुलिस वाले पंजाबी भाई, पंजाबी नाम का एक बंदा है, वो पुलिस वाले को लेके तब आके अपने सरकारी हॉस्पिटल में उनने कानून कार्रवाई करके अपनी लिखित पूरी ले गई। कब से रह रहे हो वहाँ पे? हमें होगी 7 साल, 6.5 साल हो गए वहाँ पे रहते रहते। प्रदेश के आदमी मैं रेडी। कहाँ रहते हो? ज्योति है अपने, ज्योति मंदिर है गोलकोटी के पास, उस गली में। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी करूर। क्या काम करते हो? सब्जी की रेडी लगाता हूँ जी।